चले चले पंडले इन्हें अंदर वाली शॉपों से करेंगे थोड़ी सी चिट चैट। ठीक है अच्छा बदो बदी बदो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। और आज मैं आया हूँ एक नई स्टोरी कवर करने के लिए जो है थोड़ी सी डिफरेंट और जो आप देखेंगे इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने बहुत से एक्टर्स देखे होंगे, सिंगर्स देखे होंगे, डांसर भी देखे होंगे, लेकिन जो आज का हमारा करेक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसमें डिफरेंट वाली क्या चीज़ है तो आ जाएं आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ चले पंडले इन्हें अंदर वाली शॉपों से ये काली काली नीली सारी पेंटे ले ले की तुसी गिफ्ट करनी है ना पहले भैया ही समझ लो ताडे से पेंटा ने लोए दिया लेन दिया अच्छी वाली है। ले जी मैं जिसका जिक्र कर रहा था मैं पहुंच गया हूं उनके पास। इनका नाम है मिस्टर जुनेद। दिस इज अ ब्लैक जंबो। मलिक जुनेद ब्लैक जंबो। अच्छा ब्लैक जंबो जी, तुम्हारी खसूसियत क्या है? सर हम कहते हैं कि लोगों को अच्छी अच्छी क्वालिटीज दिखाएं, पेंट दिखाएं, उनको ऐसी ऐसी पेंट दें वो पहने और यू जैक मैक जे यू नो। ओह यस। ले जी इन भाई साहब को जो हम आपको इनसे मिलवाने के लिए लाए हैं उसकी मेन वजह ये है कि ये भाईजान आजकल टिकटॉक पर छाए हुए हैं। और वो छाने की वजह क्या है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। पहले आपको दिखाने से पहले इनसे करेंगे थोड़ी सी चिट चैट। ठीक है yes, ठीक है। अच्छा अच्छा मिस्टर जंबो बॉय और ब्लैक जंबो। अच्छा ब्लैक जंबो ये बताओ कि तुमने कैसे सोचा कि तुम टिकटॉक पे वायरल हो जाओगे हैं और किस तरह से ये माइंड में आया तुम्हारा? सर मुझे अपने हुसन में मान ओहो नहीं हुसन की गल नहीं करनी वीरे, हुसन की गल नहीं करनी, वो तेरा मेरा मिलता जुलता है, ओ दी गल नहीं करनी। चंगा आदमी निकला वे ऐस वजह करके गल वो करिए। मैंने जब वीडियो पहली अपलोड की ना मुझे यकीन नहीं हो कि यार मैं भी वायरल हो सकता हूँ, दुनिया मनी भी चाहती है। मैं कहा ठीक जा ही रही है। फिर हमने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, पैसा पे किया, फिर छियाँ छियाँ पे किया, मैं कहता हूँ कि एंड हो गया। और ये सारी ये मेरी ना गली जो है ना इसकी दुआओं से मैं आगे बढ़ा हूँ। ये पेंटें मुझे लेके चली आगे, जब मैं लोगों को पेंटें देता हूँ मुझे देखती हैं कि हाँ यार इसके पास कोई अच्छी चीज़ है कि यार इसे नहीं, वैसे मैं लग रहा है अच्छी चीज़ होंगी होंगी कोई नहीं, बस कह लो कि बस दान तो उसमें मंजन बेचिए है सारा एनजी है ना। ये वो करते ना अपनी पेंट निकाली और पूरा करके ये सिमंडल जी देखे सर ये आपको दिखा दी हमने पेंटें ठीक है और अच्छी क्वालिटी के अंदर पावर स्ट्रेच सिमंडल पावर स्टाइल। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ कि ये जितने भी ट्रैक बताए हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क के ट्रैक हैं, इंडियन ट्रैक हैं जी, और पाकिस्तानी कौन कौन से ट्रैक पे परफॉर्म किया? पाकिस्तानी ट्रैक पे मैंने किया अपना भंगड़े पे भी किया हुआ हमने ठीक है, उसके अलावा जो है एक अपना था पसूड़ी उस पर भी किया, और हमारे एक जो है सिंगर काफ़ी वो चले हैं आ तन मौज करावा तो तनु साइकिल साइकिल करावा। लो जी हूँ जरा साड़ी ऑडियंस भी इंजॉय करे ठीक है, तो आ जाओ जरा पहले जरा थोड़ा सा मनोरंजन देखें फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। ओके ठीक है चले जी आ जाएं, अब इनके फेमस होने की जो मेन वजह है आपको वो दिखाते हैं। आए अभी थोड़ा सा आपने भंगड़ा देखा भाई का, लेकिन भाई ने साथ में मुझे भी डांस पे लगा दिया जिसकी वजह से मेरी भी सांस फूल गई और अखीर ही फूली भाई। हाँ जी हाँ जी फूली। अच्छा अच्छा मैंने ये दसो कि यह तो चलो एक परफॉर्मेंस होगी, लो जी आओ 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 लंगी जाओ
अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे ही अब आप डांस वगैरह करते हो टिकटॉक पे, आपकी जो है वो वीडियोस वायरल हैं, फैमिली क्या सोचती है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस डगर पे हो? फैमिली जो है ना कुछ नहीं, वो फैमिली हमारा जो है ना एक दोस्तों की तरह है, सब एक दूसरे के साथ काफ़ी मतलब कि फ्रेंकली हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों से सपोर्ट किया है, तो मुझे काफ़ी खुशी है। मेरे भाई ने, मेरे भाभी ने और मेरी जो भाभी की वालदा है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मेरे वालद साहब जो हैं वो माशाल्लाह से खुद बहुत बड़े एक डांसर हैं, ठीक है, माइकल जैक्सन के नाम से वो जाने जाते थे, उनका एक नाम था काफ़ी क्राउड के अंदर, ठीक है। उनको मैं बचपन से उनको ही मैं कॉपी करता आ रहा हूँ, तो आज मैं जो भी कुछ उनकी बदौलत, तो बाकी मैंने इस चीज़ को कभी फेम नहीं किया, तो आज मैंने इस दफ़ा मैंने जो है ना इसको किया, तो मैं काफ़ी मुझे क्राउड मिला इस चीज़ से, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के मुझे यकीन नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आपका जो एक प्रोफेशनल है, ठीक है, वो आप एज ए सेलमैन आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप चीज़ कह रहे हो कि आपने वाले साहब से सीखा, वो एक बड़े अच्छे कोरियोग्राफर थे, ठीक है, और आप इस चीज़ को आगे किस तरह से प्रोफेशनली लेके चलना चाहते हो? मैं इसको इस तरह से प्रोफेशनली लेके चलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना कि अब जितना फेम मिल रहा है, मुझे लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब जो है ना इसको कंटिन्यू रखूँ। नहीं नहीं, उस कंटिन्यू रखने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी के पास गए हो, किसी से मिले हो, आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, किस तरह से? अभी तक तो किसी से नहीं मिला, ना तो कोई अभी कोई ऐसा रिस्पांस आया, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे आए, मैं आगे बढ़ूँ, तो मुझे कोई मतलब अपने साथ अटैच करे, तो मैं इस चीज़ के लिए देख रहा हूँ आगे, देखे क्या तल्ला बेहतर करे। चलें जी, ठीक है, इसी के साथ हम जो अपने जुनेद साहब हैं इनसे इजाज़त चाहेंगे, और आपको ये बताते चलें कि ये क्रीम ब्लॉग की अब आहिस्ता आहिस्ता पहचान बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि हमें अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जिसके पास जो भी टैलेंट हो उसे आगे लेके आना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जुनेद जो चाह रहा है वो कर सके। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।